एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित फरोली गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 9 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है। लगभग 2000 की आबादी व 1350 वोटरों द्वारा देवेंद्र पाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 210 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 44 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 खराब हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 64 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 181 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, कन्या इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, खेल का मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। श्री देवेंद्र पाल सिंह, ग्राम फरोली, तहसील सासनी, ब्लॉक सासनी, जिला हाथरस। अब मैंने 9 इंटरलॉकिंग करा दी है सड़क, 9 इंटरलॉकिंग, 3 नाले बनवा दिए हैं। हमें और पैसे की आवश्यकता है और काम कराने की, हमें पैसे देने की कृपा करें। निम्न मांगे चाहिए: स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय, नाले बनवाने हैं, इनके लिए धन चाहिए, और एक जो है मरघट सौंदर्यीकरण के लिए। अतः केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे खाते में अधिक से अधिक धन डालें, जिससे मैं गांव का विकास करा सकूं। ग्राम प्रधान जी के अकाउंट में जो मतलब जो भी जित धन दिया धन डालें, जिससे कि और विकास करा सकें। गांव फरोली, थाना हाथरस जंक्शन, हाथरस। पूर्व प्रधान ओम प्रकाश माहौर, हमारे मौजूदा प्रधान देवेंद्र पाल सिंह इस समय गांव में अच्छा कार्य करा रहे हैं, विकास की ओर गांव को ले जा रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार से विनती है कि गांव के खाते में अधिक से अधिक धन दिया जाए, जिससे गांव का अधिक से अधिक विकास किया जाए, और ऐसे युवा प्रधान के प्रोत्साहन के लिए और भी सहायता दी जाए।